वेलकम बैक इन मास्टर कैम सीएनसी लेथ ऑपरेशंस ट्यूटोरियल। मास्टर कैम सीएनसी लेथ ट्यूटोरियल का हमारा ये 11th वीडियो है, या कहूँ कि 11th ट्यूटोरियल है, और उसका ये पार्ट 3 है, जिसमें हम तीन अलग अलग ऑपरेशंस के बारे में समझने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम समझने वाले ग्रूविंग ऑपरेशन। सो ग्रूविंग ऑपरेशन के लिए हम यहाँ का ये एरिया और यहाँ पर इस एरिया का मटेरियल जो है रिमूव करने वाले हैं। ग्रूविंग टूल की मदद से ये हमारा एरिया रिमूव होगा। देन हम नेक्स्ट वन जो ऑपरेशन है, उसी ऑपरेशन में हम लोग रिमूव करने वाले हैं हमारा यहाँ पर ये एरिया। इस एरिया में जो मटेरियल है हमारा, इस एरिया का मटेरियल रिमूव करने वाले हैं। अब इसके इस पोर्शन का मटेरियल रिमूव करने के लिए हमें डीप में कटिंग करना होगा, क्योंकि हम नॉर्मल टर्निंग करेंगे तभी ये मटेरियल हमारा बच जाना है। तो इसे प्लंज टर्निंग बोलते हैं हम लोग, प्लंज टर्निंग के नाम से जानते हैं। तो समझेंगे कि किस तरीके से हम ये इस एरिया में कटिंग करके जो हमारा मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। एंड लास्ट वन जो हमारा ऑपरेशन है वो रहेगा हमारा थ्रेड ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं एक थ्रेड। सो आइए समझते हैं कि किस तरीके से हम इस पार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, तीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस। तो सबसे पहले मैं इसके तीनों ऑपरेशंस जो मैं ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हूँ उन्हें डिलीट कर दूंगा। सो लेट्स, सबसे पहले हमें इस ऑपरेशन को क्रिएट करने के लिए जाना है टर्निंग में, और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रूविंग के बारे में। हमने सिलेक्शन किया ग्रूविंग। अब यहाँ पर दो अलग अलग चेन्स हैं, एक तो हमें यहाँ पर मशीनिंग करना है और एक हमें यहाँ पर मशीनिंग करना है। इसके लिए हम क्लिक करेंगे मल्टी चेन एंड क्लिक करेंगे ओके। ओके पर क्लिक करने के बाद अब हमें जो चेन सिलेक्शन करनी है यहाँ पर, उसे सिलेक्शन करनी है पार्शियल। पार्शियल चेन सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर इस एरिया को मैं थोड़ा सा जूम कर लूँगा, और मुझे चेन सिलेक्शन करनी है। सबसे पहला ये वाला पॉइंट, देन ये पॉइंट, फिर मुझे इस एरिया को सिलेक्शन करना है, तो ये पॉइंट देन ये पॉइंट, देन मैं क्लिक करूँगा ओके पर। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर टूल लिस्ट ओपन हो जाती है। इसके लिए जो मैं टूल सिलेक्शन करने वाला हूँ वो ये है, पॉइंट टू का नोज रेडियस और इंसर्ट W2 का मतलब कि इंसर्ट की थिकनेस कितना है 2 mm। ध्यान रहे जब भी ग्रूविंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो इंसर्ट की सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा इंसर्ट जो जाना है कितने विड्थ के ग्रूव में डीप होना है। देन हम यहाँ पे फीड रेट प्रोवाइड कर देंगे 0.1 का फीड, साथ ही फिनिश फीड रेट देनी है तो वो भी यहाँ पर लिख देंगे। देन यहाँ पे मिनिमम स्पेंडल स्पीड कितनी रखनी है, मैक्सिमम कितनी रखनी है, अलग अलग चीज़ों के लिए वो इनपुट कर देंगे। देन हमें यहाँ पे आ जाना कमेंट में, और कमेंट में लिख देंगे यहाँ पे ग्रूव। अब हमें रेफरेंस पॉइंट सिलेक्शन करना है। रेफरेंस पॉइंट सिलेक्शन करने के लिए मैं क्लिक करूँगा रेफरेंस, और रेफरेंस पर करने के बाद अब मुझे यहाँ पे पॉइंट सिलेक्शन करना है। अप्रोच का अर्थ होता है कि आते समय होम पोजीशन से जब टूल कटिंग करने के लिए आएगा तब वो कौन से पॉइंट पे जाएगा, आएगा और देन आगे बढ़ेगा। तो मैं इसके लिए सेलेक्ट पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर जो टूल है, सपोज मैं टूल को सबसे पहले यहाँ पर बुलाता हूँ, देन आगे कटिंग करेगा, और जाते समय कहाँ पर जाएगा, कटिंग करने के बाद पहले इस पोजिशन पर जाएगा, देन होम पोजिशन पर जाएगा। सो ओके पर क्लिक कर लिया मैंने। देन जो नेक्स्ट वन प्रोसेस है वो है ग्रूव शेप पैरामीटर। ग्रूव शेप पैरामीटर में अब हम जानते हैं कि हमारा जो ग्रूव है ओडी के अंदर ग्रूव है, तो यहाँ पर ओडी के अंदर ग्रूव जो है टूल ऐसे डीप करेगा एंड देन एग्जिट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर मार्क कर लेना यूज स्टॉक फॉर आउटर बाउंड्री, जिसका अर्थ है कि जो है ग्रूविंग के कटिंग के दौरान टूल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि मेरा स्टॉक कहाँ पर है, उस एरिया को ऑटोमेटिकली कटिंग करेगा। अब नेक्स्ट वन है हमारा ग्रू रफ पैरामीटर। जब हम बात करते हैं ग्रू रफ पैरामीटर में, तो ग्रू रफ पैरामीटर का अर्थ हो गया कटिंग डायरेक्शन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स रहते हैं, जिसमें जितना आपको स्टॉक छोड़ना है रफिंग के फिनिशिंग के लिए तो वो हम स्टॉक छोड़ देते हैं, और देन जो ग्रू के अंदर जो वॉल है उसको हम स्मूथ पे क्लिक कर लेते हैं। देन नेक्स्ट वन जो है पैरामीटर वो है हमारा ग्रू फिनिश पैरामीटर्स। ग्रू फिनिश पैरामीटर का अर्थ हो गया कि जो आपका ग्रू है वो फिनिशिंग करेगा तो किस तरीके से क्या फिनिशिंग करेगा। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी ग्रूविंग की डीप के अंदर यदि समझना चाहते हैं उसका मैं ऑलरेडी प्रो बना रखा हूँ, वहाँ से जाकर के आप ग्रूविंग के बारे में डीपली समझ सकते हैं। देन मुझे क्लिक करना है ओके पर। तो जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली ग्रूविंग का जो टूल पाथ क्रिएट हो गया है और हमारा जो मटेरियल है इस एरिया में रिमूव हो चुका है। सो गाइस, नेक्स्ट वन जो ऑपरेशन है वो है हमारा प्लंज टर्निंग।
सो प्लंज टर्निंग किस तरीके से होता है, इसके लिए मुझे क्लिक करना है फिनिश पर। फिनिश पर क्लिक करने के बाद अब मुझे चेन सिलेक्शन करना है, तो चेन सिलेक्शन के मैंने क्लिक किया पार्शियल, और मुझे चेन सिलेक्शन करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देन मैंने क्लिक किया ओके पर। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऑटोमेटिकली टूल पेज ओपन हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर जो टूल सिलेक्शन करना है वो इस तरीके से सिलेक्शन करना है कि इस प्रोफाइल में वो इजीली डीप कर जाए। तो इसके लिए जो टूल है, मैं ये इस टाइप का टूल देता हूँ जिसका एंगल थोड़ा ज़्यादा रहे और यहाँ पर बैक साइड में क्लियरेंस रहे। देन मुझे यहाँ पर इसकी फीड दे देनी है, जितनी भी फीड मुझे रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए फीड दे देता हूँ 0.2, स्पेंडल स्पीड 250 एंड मैक्सिमम स्पेंडल स्पीड 1500। और यहाँ पर मैं इसमें कमेंट दे देता हूँ फिनिश प्लंज। देन वही सेम प्रोसेस, मुझे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्शन कर लेना है। अब आ जाते हैं हम फिनिश पैरामीटर्स में। अब यहाँ पे फिनिश पैरामीटर में हमें काफ़ी चेंजेस करने हैं। क्या क्या चीज़ें चेंजेस करना है ध्यान से देखिए। अब फिनिश स्टेप ओवर अर्थात फिनिशिंग के अंदर डेप्थ ऑफ कट कितना दे रहा है 0.3 और नंबर ऑफ फिनिश पासिस ले रहे हैं 2। यदि मैं अब इस प्रोग्राम को ओके करके क्लिक करूँ तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली अलार्म आ गया है कि आपका जो टूल है वो स्टॉक के साथ टकराएगा, अर्थात कि हमने बहुत सारी चीज़ें, इनके कहने का अर्थ है कि गलत है। सो इसके लिए मुझे क्लिक करना प्लस में, क्लिक करना है पैरामीटर्स पर और यहाँ पर मुझे जाना है लीड इन एंड लीड आउट। अब यदि मैं ध्यान से देखूँ तो लीड इन ऐसे होता है, बट जब मुझे अंदर की तरफ डीप कटिंग करना है, यहाँ पर ऐसे कटिंग करना है, तो मुझे जो इन लीड इन का जो तरीका है वो भी इस तरीके से रखना पड़ेगा। मैंने इस तरीके से रखा ओके एंड फिर से प्रोग्राम जनरेट किया। तो अब जो है हमारा स्टॉक का दिखा रहा है कि आपका कहीं पे भी स्टॉक से नहीं टकराएगा, बट स्टिल हमारा जो मटेरियल है वो कटिंग नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जाना है हमें फिर से पैरामीटर्स में और यहाँ पे क्लिक करना है प्लंज पैरामीटर्स। प्लंज पैरामीटर में जाने के बाद अब हमें सेकेंड वन ऑप्शन सेलेक्शन कर लेना है, जिसका अर्थ है कि आपका डायामीटर या फेस के अंदर यदि कहीं पे भी एरिया होगा, डीप होल होगा, डीप प्रोफाइल होगा, तो उसको ऑटोमेटिकली मास्टर कैम डिटेक्ट करेगा और उसका प्रोग्राम वो मटेरियल रिमूव कर देगा। तो वो सिलेक्शन करके जैसे ही मैं रीजनरेट पर क्लिक करता हूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस एरिया का मटेरियल जो है रिमूव हो चुका है। सो देन इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट वन ऑपरेशन वो है हमारा थ्रेडिंग का ऑपरेशन। सो जब हम बात करते हैं थ्रेडिंग के ऑपरेशन के बारे में, सो थ्रेडिंग के ऑपरेशन से पहले मैं आपको ड्राइंग दिखा देना चाहता हूँ कि कितने का थ्रेड है। सो हमारे पास ये एक ड्राइंग है जिसके अंदर क्लियरली लिखा है कि जो हमारा थ्रेड है वो है M16.5 into 1.5। सो आइए देखते हैं कि थ्रेड किस तरीके से हम इसके लिए यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। थ्रेड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा, क्लिक करूँगा थ्रेड पर। थ्रेड पर क्लिक करने के बाद मुझे टूल सिलेक्शन कर लेना है और फीड जो है हमें MM पर रिवॉल्यूशन दे देना है और स्पेंडल स्पीड दे देना लगभग 500। सो अब हम यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं थ्रेड M16.5 into 1.5, साथ ही रेफरेंस पॉइंट भी प्रोवाइड कर देते हैं। रेफरेंस पॉइंट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी लूँगा तभी मेरा बिल्कुल भी गलत नहीं है। देन मैं थ्रेड शेप के बारे में बात करता हूँ, तो थ्रेड शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास दो अलग अलग ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जा सकता हूँ कंप्यूटर से कैलकुलेट करके, तो यहाँ पे मैं जानता हूँ मेरा मेजर डायमीटर कितना 16.5 और लीड है जो है 1.5, तो ऑटोमेटिकली मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ। सेकेंड वन मेथड यह है कि हम जानते हैं कि यहाँ पे हम जो मैं डीप के अंदर नहीं जा सकता हूँ, अर्थात हमारा माइनर डायमीटर वैल्यू क्या है, वो वैल्यू ये है, और मेजर डायमीटर क्या है, वो वैल्यू यहाँ पर है। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर लीड में इनपुट कर देंगे, लीड हमारी जो है पिच 1.5, मेजर डायमीटर पर क्लिक करेंगे, मेजर डायमीटर ये है, माइनर डायमीटर पर क्लिक करेंगे, माइनर डायमीटर ये है। ऑटोमेटिकली सारी की सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेस हो गई है। अब हमें देना स्टार्ट पॉइंट, तो स्टार्ट पॉइंट हमारा थ्रेड के लिए ये है, एंड एंड पॉइंट के बारे में बात करूँ तो एंड पॉइंट थ्रेड के लिए ये है। अब हम बात करेंगे थ्रेड कट पैरामीटर। थ्रेड कट पैरामीटर वो थ्रेड्स जो कि वर्कपीस के स्टार्टिंग से स्टार्ट ना होकर के वर्कपीस के बीच में कटिंग करना स्टार्ट होती है, उनके लिए हमें थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिटरमाइन कट डेप्थ फॉर्म, जिसका अर्थ है कि आपका जो डेप्थ ऑफ कट है वो इक्वल एरिया में लेगा या इक्वल डेप्थ ऑफ कट के हिसाब से लेगा। तो हमने इक्वल एरिया लिखा है, जिसका अर्थ है कि हर बार इक्वली एरिया कटिंग करते हुए आगे बढ़ेगा।
अब थ्रेडिंग करने के दौरान कितने पासेस काउंट करेगा हमारा, एक पास देन दो पास तीन पास चार पास और पांच, तो टोटल नंबर ऑफ पासेस काउंट करेगा पांच। देन हम बात करते हैं स्टॉक क्लियरेंस, स्टॉक क्लियरेंस का अर्थ है थ्रेड करेगा देन ऊपर कटिंग उठेगा, तो कितना एमएम ऊपर उठेगा वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं हम थ्रेड जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है उससे कितने एमएम पहले से कटिंग करना वो स्टार्ट कर देगा, तो 3 एमएम। 3 एमएम ये हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अभी ये जो थ्रेड कटना है वो स्टार्ट होना है वर्क पीस के बीच में, बीच प्रोफाइल एरिया में थ्रेड है, इसके लिए हम ओवरलैम्प ओवरकट को डिस्टेंस है वो भी हम यहाँ पर दे देते हैं। सो देन हमने क्लिक किया ओके पर, तो जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया जैसा आप देख पा रहे हैं हमारा जो थ्रेड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कटिंग करेगा और पूरे के पूरे एरिया में प्रॉपर तरीके से थ्रेड बनेगा। यदि आपका थ्रेड ज़्यादा लंबा लग रहा है तो यहाँ पर हम इसे कम कर लेते हैं और यहाँ पर इसे भी कम कर लेते हैं। देन रीजनरेट, तो जैसा आप देख पा रहे हैं गाइस हमारा ऑटोमेटिकली इजीली थ्रेड बन चुका है। तो हमने तीनों ही ऑपरेशंस क्रिएट कर लिए हैं, सबसे पहला हमारा ग्रूविंग का ऑपरेशन, देन टर्निंग का ऑपरेशन एंड थ्रेडिंग का ऑपरेशन। आई विश कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।